नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशोर उपाध्याय। आज हम आपको किसानों के नाम पर गंदी राजनीति करने वाले गैंग का एक बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप एक बार को यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नए कृषि कानूनों के विरोध में कितना खतरनाक खेल चल रहा है और ये खेल गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाकर एक बड़ी संख्या में किसानों का नुकसान कराने की ओर खींच रहा है। दरअसल देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की आंदोलन वाली साजिश अब धीरे धीरे नाकाम हो रही है, तो ये लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं जिससे किसानों को भड़काया जा सके और सरकार के खिलाफ देश भर में एक आक्रोश पैदा किया जा सके। लेकिन कहते हैं कि झूठ की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलती और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, इसलिए किसानों की आड़ में साजिश गैंग जो भी नया प्रोपेगेंडा लॉन्च करता है उसकी पोल भी तुरंत खुलकर सामने आ ही जाती है। इसी बीच देश विरोधी गैंग की अब एक और बड़ी पोल खुलकर सामने आई है। ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि किसानों ने ही खोली है। एक बार आप भी देखिए और सुनिए आखिर किसान क्या कुछ कह रहे हैं। जितनी भी ये फसल उजाड़ी जा रही है इसका 50,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिल रहा है। वे किसान, गरीब किसान जिसने पैसे की जरूरत है, वे अपनी कच्ची फसल को बेच देते हैं, खड़ी को 50,000 रुपए ले रहे हैं और बोल देते हैं चला लो भाई ट्रैक्टर। नहीं तो कोई भी किसान जो खून पसीने का पैसा लगा कर अपनी खेती को और अपनी देही का पसीना बहा कर फसल को पैदा करता है वो बहेगा, ऐसे उजाड़ेगा नहीं। असली किसान यहाँ बॉर्डर पर है नहीं, हम भी घूम के आए हैं वहाँ पे, वहाँ कोई किसान नहीं बैठा है, वहाँ ओनली मजदूर बैठा है। वो मजदूर बैठा जिसे दिहाड़ी चाहिए। व्यापारी हैं, आड़तियों के बंदे हैं, 500 रुपये मिलते हैं, सुबह शाम को देते हैं। अब हम देखते नहीं सुबह आते हैं, शाम को बहुत दारू मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, वापस चले जाते हैं। तो सुना आपने किस तरह से साजिश गैंग की ओर से खड़ी फसल को बर्बाद करने के लिए किसानों को रुपए दिए जा रहे हैं। जाहिर है कि जब किसी किसान को फसल पकने से पहले ही उसे उपज से भी ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो जरूर अपनी फसल को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये सब क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे की असल वजह यह है कि अगर पैसे लेकर भी किसान अपनी ललाहती फसल को बर्बाद करेंगे तो ये मामला पूरे देश के साथ ही दुनिया भर में गूंजेगा कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार किसानों पर कितना बड़ा अत्याचार कर रही है कि वो अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये सब देखकर किसान भी गुस्से में आ सके। कुल मिलाकर इस मुद्दे को किसी भी तरह से इंटरनेशनल मीडिया के हेडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है। दरअसल हाल ही में करोड़पति किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को भड़काकर उनका नुकसान कराने वाला बयान देते हुए कहा था कि अगर सरकार ने ज्यादा परेशान किया तो किसान अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा, एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा, अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। जिसके बाद कई जगह ऐसा किसानों ने किया भी, उन्होंने अपनी खड़ी फसल में ट्रक चलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन अब इसके पीछे का किसानों ने ही खुलासा किया है कि पैसे देकर ऐसा कराया जा रहा है। सच में अगर ये आरोप ठीक है तो जरूर सरकार को ऐसे गैंग पर एक्शन लेनी चाहिए। वैसे भी देश का सच्चा अन्नदाता समझ चुका है कि जब सरकार कृषि कानून के मुद्दे पर हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है तो फिर अड़चन डालने वाले लोग किसान हो ही नहीं सकते और ना ही वो उनके हित की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बदनाम करके खुद को चमकाना है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाना है। इसीलिए जो भटके हुए किसान थे उन्हें जैसे जैसे किसान आंदोलन की सच्चाई सामने आ रही है वैसे ही वो आंदोलन छोड़कर घर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक किसान देश विरोधी गैंग की साजिश का शिकार होते रहेंगे जो उनको बदनाम करने के साथ ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और इस गैंग पर सरकार कब ऐसा एक्शन लेगी कि आगे से ये साजिश गैंग ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।